तो बार बार कहा कि अगर हेमंत सोरेन सत्ता नहीं छोड़ते हैं तो फिर धक्का देकर उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। पर कहा कि अगर हेमंत सोरेन सत्ता नहीं छोड़ते हैं तो फिर धक्का देकर उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। मोबाइल से डीसी बात कर रहे हैं, एसपी बात कर रहे हैं कैदी से, आप सोच सकते हो क्या हालत है इस राज्य की। और उन लोगों के हम तो बार बार कहते थे, ये लोग समानांतर सरकार चला रहे हैं, लोग मानते ही नहीं थे। आप तो मुख्यमंत्री को मानना चाहिए ना। तो इसलिए हमने कहा कि भाई, आज भी मैं कह रहा हूँ कि ईडी को आप यहाँ चाहे होटवार जेल में हो चाहे अस्पतालों में हो, आप झारखंड से तो इन लोगों को बाहर करनी चाहिए। मोबाइल से डीसी बात कर रहे हैं, एसपी बात कर रहे हैं कैदी से, आप सोच सकते हो क्या हालत है इस राज्य की। और उन लोगों के हम तो बार बार कहते थे, ये लोग समानांतर सरकार चला रहे हैं, लोग मानते ही नहीं थे। आप तो मुख्यमंत्री को मानना चाहिए ना। तो इसलिए हमने कहा कि भाई, आज भी मैं कह रहा हूँ कि ईडी को आप यहाँ चाहे होटवार जेल में हो चाहे अस्पतालों में हो, आप झारखंड से तो इन लोगों को बाहर करनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।